गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में नीचे पढ़ लिया होगा, आज की मेरी मॉर्निंग रूटीन थी, तो मैंने सोचा कि आज कोई व्लॉग बनाने का था ही नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मॉर्निंग रूटीन में आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर लेती हूँ मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ। मैंने तो सुबह पहले नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ लिया था, तो वो लाइट नहीं थी तो इसलिए वो मैंने कैप्चर नहीं किया कैमरा में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मम्मा नाश्ता बना रही है तो वो ही मैं ना ऐड कर लेती हूँ। तो ये मम्मा पराठा पका रही थी, बहुत ही मज़े का बनाती है, क्रिस्पी सा। और दूसरी तरफ मम्मा ने चाय भी रख दी थी क्योंकि मेरी सिस्टर्स स्कूल जाती है तो उनको लेट हो रहा था, तो मम्मा जल्दी जल्दी में एक चूल्हे पे चाय और दूसरे पे पराठे बनाते जा रही थी और मैं यहाँ पे चाय दिखा रही थी आप लोगों को कितनी मज़े की बनी हुई है। और यहाँ पे कायनात भी रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए, बस नाश्ते का वेट कर रही थी कि जल्दी से वो नाश्ता करके स्कूल जाए। और साथ ही उसके साथ मानूर भी बैठी हुई थी जो टिकटॉक बनाती है सुबह जैसे होती है ना, वो नमाज कुरान पढ़कर तैयार होकर फिर स्कूल यूनिफॉर्म में वो टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर लेती है। तो यहाँ पे मम्मा पराठा बना रही थी, बहुत ही क्रिस्पी सा बनाती है मम्मा, बहुत ही अच्छा होता है, मज़े से होता है, मज़ेदार होता है। और ये रात वाला पुलाव बच गया था तो मैंने मम्मा से कहा कि बस यही मेरे लिए गर्म कर लो, मैं यही खाऊंगी, मेरे लिए पराठा और ऑमलेट ना। यहाँ पे मम्मा ऑमलेट बना रही थी कायनात और मानूर के लिए क्योंकि नाश्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बंदा नाश्ता ज़रूर किया करे, आप लोग भी नाश्ता ज़रूर किया करें। मम्मा तो कायनात और मानूर को ऐसे बिल्कुल भी स्कूल नहीं छोड़ती, उनको नाश्ता करवा के फिर ही छोड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको जितना भी लेट हो जाए नाश्ता करके ही जाना होता है। और यहाँ पे ये दोनों नाश्ता करने लगी थी तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे राइस मम्मा को गर्म करने के कहा था, वो गर्म कर रही थी और साथ ही साथ बर्तन भी धोती जा रही थी। तो यहाँ पे कायनात जो है ना अभी चाय पिए कि उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।